फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ग्वार की फली और आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो काफ़ी पौष्टिक होती है और ये काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो चलिए हम ग्वार की फली की रेसिपी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। अब ये ऑयल अपना गर्म हो चुका है, हम सारी फलियाँ इसमें डाल देते हैं। फलियाँ थोड़ी हल्की से नरम हो जाएंगी तब हम इसमें आलू डाल देंगे। अब ये फली अपनी देखिए नरम हो चुकी है, हल्की हल्की नरम हो चुकी है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। इसको हम ऐसे फ्राई करते हैं हल्का हल्का सा मीडियम आंच पे, इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अब देखते हैं अपनी फलियाँ कैसी हो चुकी हैं। देखिए फलियाँ अपनी थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं। अब हम इसे इसमें निकाल लेते हैं। देखिए अब अपनी फली और आलू इस प्रकार फ्राई हो चुके हैं। हल्का हल्का कच्चा रखना है इसको। अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालते हैं। वो पहले ऑयल डाला था, वो आलू और फली को फ्राई करने के लिए डाला था। अब थोड़ा सा ऑयल और डालते हैं। अपना ऑयल गर्म हो चुका है, हल्का हल्का गर्म हो चुका है। हम इसमें अब एक पिंच हींग डाल देते हैं। ये फली ठीक होती है, ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है। ये कभी कभी फली है, काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आती है। अगर इस प्रकार से फली बनाई जाए तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। चलिए तो अपना ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। ये खड़ी लाल मिर्च जो इसमें डाल देते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है प्याज का, जो मैंने पहले से ही मिक्सर में पीस के रखा हुआ है। अब हम इसको भी कढ़ाई में डाल देते हैं। जब तक अपना मसाला फ्राई हो रहा है तब तक हम जार में एक चम्मच लाल मिर्ची, एक चम्मच नमक छोटा वाला और आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच धनिया पाउडर ले लेते हैं और इसमें थोड़ा पानी डालकर आपस में मिला लेते हैं। हमको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी देखिए गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लाल मिर्च से धनिया का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देना है। अब इसको मीडियम आंच पे धीरे धीरे सेकना है। देखिए अब अपना मसाला फ्राई हो चुका है। तब तक हम एक मीडियम साइज का टमाटर काट लेते हैं। देखिए अब अपना मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये आलू और ग्वार की फली डाल देते हैं। हमने फली और आलू डाल दिए हैं, इसे मीडियम लो पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सब्जी देख लेते हैं, ये काफ़ी फ्राई हो चुकी है। अभी आलू हल्का हल्का कच्चा है, इसमें हम तो एक थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि आलू गल जाए। देखिए इसमें सब्जियाँ आलू और फली दोनों अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। देखिए सब्जी कितनी कलरफुल और कितनी अच्छी लग रही है। अब ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक्स करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब
बन चुके हैं। अब इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। देखिए ग्वार की फली और आलू की सब्जी कितनी बेहतरीन लग रही है। अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हम इसे धनिया की पत्ती से सजा देते हैं। अगर आपको मेरा ये सब्जी अच्छी लगती है तो इसे आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।